बसमिल नाद्रीन अल्लाम वरम वर्क असूल द्दीन प्रोग्राम के तहत ये हमारा चौथा कोर्स है जिसमें हम विरासत को डिस्कस करेंगे लाफ इनहेरिटेंस. इनहरीटेंस विरासत बहुत सा इल्म है और इन उम्मीद है कि दो से तीन लेक्चर्स में हम इसको समअप कर लेंगे ठीक हमारे यहाँ एल में भी ए कोर्स पढ़ाया जाता है लाफ ऑफ के नाम से और पाकिस्तान में और इसी तरह अक्सर वेशतर मुस्लिम ममालिक में जो लाफ ऑफ जो क़ानून विरासत नाफिज है वो अमूमा वही है जो शरिया ने हमें दिया है ठीक है हमारे यहाँ बहुत सारे कवानी ऐसे हैं जो कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानी हैं लेकिन यह है कि कानून विरासत इसमें आम तौर पे मुस्लिम के अंदर मुस्लिम स्टेट्स में इस चीज़ का लिहाज किया जाता है कि जो शरिया ने जो ला दिया है वो उसी को इम्प्लीमेंट किया जाए दूसरी बात यह है कि कानून विरासत में जो अख्तिलाफ़ हैं फ कहा कि मुख्तलफ़ स्कूल ऑफ जो स्टूडेंट्स जख्तलि जो मकातब फ़िक्र हैं फ़िकें हैं उनका जो अख्तलाफ है वो ला ऑफ इन्हरिटेंस में कानून विरासत में बहुत कम है ना होने के बराबर है मतलब बहुत वैसे ही ये छोटा सा सब्जेक्ट है दूसरा ये कि इसमें इख्तलाफ़ात भी ना होने के बाद अक्सर बेशतर इसके जो मसाइल हैं वो एगरीड हैं मतलब सब स्कूल ऑफ थाट उस पर एगरी करते हैं ठीक तो विरासत जो है आ, इसके जो बड़े बड़े मौजूद हैं उनमें से एक है सबसे पहली बात तो है अरकान विरासत ठीक है विरासत के अरकान कौन कौन से हैं तो अरकान विरासत तीन हैं। एक मुवरिस इसको क्या कहते हैं मुवरिस के ऊपर शद है मुरिस ठीक है।, है वारिस बनाने वाला बाब तफील से इसमाइल का सीखा बन जाएगा ना अगर वो ग्रामर जहन में है तो मुरिस वारिस बनाने वाला ये कौन होता है मैय ठीक है मैयत ही वारिस बनाती है ना अपने बाद वालों को ठीक है या बाद सूरतों में खबर, मफकूदल ख़बर समझते हैं गुम हो गया मिसिंग पर्सन जैसे कहते हैं मिसिंग पर्सन तो नाम सुना होगा ना आजकल तो बहुत अखबार में मीडिया में एक मिसिंग पर्सन वो होता है कि जिसके आने की उम्मीद है और एक वो है जिसके आने की अब उम्मीद नहीं है अब उसको भी मैयत की तरह डील किया जाता है ठीक है बाज सूरतों में हर केस में नहीं बाज़ केसेस में तो बाज़त मुवरस जो है वो खबर भी हो जाता है हुँ? मिसिंग पर्सन भी हो जाता है लेकिन अक्सर बेशतर मु कौन होता है मैयत, ठीक है मवरस मराद मैयत दूसरा कौन है वारिस वारिस कौन है जो उसका वारिस बन रहा है एक है वारिस बनाने वाला और एक है जो वारिस बन रहा है ठीक है दो चीजें हो गई तो तीसरी चीज क्या रहेगी माले विरासत माले विरासत को क्या कहते हैं तरका मोरूस भी कहते हैं तरका आमतौर पर लफ्ज़ तरका इस्तेमाल होता है मतलब क्या तरका छोड़ा उसने हु? कितना माल छोड़ा ठीक है तो कितने अरकान विरासत हो गए यानी विरासत में तीन चीजें हैं ना तीन ही चीजें होंगी ना एक जो वारिस बनाने वाला है मैयत है दूसरा जो वारिस बन रहा है और तीसरी चीज वो माल आ जाता है कि जो मवर्रे से वारिस को मुंतकिल होता है ठीक है दूसरी चीज है अस्बा विरासत असबाव विरासत भी कितने हैं तीन है सबसे पहला है नसब किन बुनियादों पर को वारिस बनता है नस्बी रिश्तेदारी खूनी रिश्तेदारी खून का रिश्तेदारी आपका वारिस बनता है ना ठीक है दूसरी बुनियाद क्या होती है जिसकी वजह से कोई किसी का वारिस बन सकता है नसब के अलावा पाल। नहीं जो लेपालक होता है लेपाले का कोई विरासत में हिस्सा नहीं होता ये जेन में रखे हैं लेपाले का कोई विरासत में ऐसा नहीं होता जो बच्चा आपने गोद ले लिया ठीक है उसका कोई विरासत में हिस्सा नहीं होता नहीं वसीयत भी नहीं दूसरी चीज है निकाह बीवी आपकी खूनी रिश्तेदार तो नहीं ना होती ना ही शोर ठीक है लेकिन एक दूसरे के वारिस होते हैं तो एक सबब है नसब दूसरा सबब क्या है निकाह तीसरा सबब है जो आजकल मफकूद है लेकिन पहले वक्तों में था उसको क्या कहते हैं बला वला का मतलब होता है किसी मालिक ने किसी गुलाम को आजाद कर दिया एक मालिक के पास एक गुलाम था उसने उसको क्या किया आज़ाद कर दिया जाहिर बात है उस गुलाम की कोई माशी जिंदगी है ना वो कमाएगा खाएगा पिएगा कोई एसेट बनाएगा ठीक है एक इंसान है इंसान एक माशी हैवान है एक तारीफ इंसान की ये भी की जाती है गलत है सही है लेकिन बहरहाल माश तो इंसान की जिंदगी एक अहम पहलू है तो अब अगर वो गुलाम मरता है तो उसका वारिस कौन बनेगा अगर उसके नसबी रिश्तेदार नहीं है अगर उसके नसबी रिश्तेदार नहीं है और उसका निकाह भी नहीं हुआ तो अब उसके माल का वारिस कौन बनेगा उसका वो आका जिसने उसको आज़ाद किया था आजकल ग़ुलामी है नहीं स्लेवरी खत्म हो गई अब ये चैप्टर बंद हो गया कितने सबब बाकी रह गए नस्ब और निकाह ठीक है ये बात भी समझ में आ गई तीसरी बात है मवाने विरासत। ये तो ये हो गया ना किस वजह से एक बंदा वारिस बनता है और एक ये है कि किस वजह से किसी की विरासत उसको नहीं मिलती किस वजह से एक बंदा वारिस हो के भी वारिस नहीं बन सकता समझ है ना वारिस हो कि भी जो है वो उसको विरासत नहीं मिलती कौन सी वजूहत है ये कितनी है पाँच। पहली है गुलामी गुलाम वारिस नहीं बनता चाहे आपका नस्बी रिश्तेदारी क्यों ना हो ठीक है गुलाम वारिस नहीं बनता पुराने जमाने में जैसे लोंडिया होती थी लोंडियों से अगर उसकी औलाद है और वो ओलाद आगे गुलाम है तो वो उसकी वारिस नहीं बनेगी लेकिन अब ये चैप्टर बंद हो गया हम इसमें नहीं जाते ठीक है गुलामी का चैप्टर वैसे ही बंद हो गया दूसरी चीज़ क्या है कत्ल। कतिल अपने मकतूल का वारिस नहीं बनता भतीजे ने अपने चचा को कत्ल कर दिया भले लीगली वो उसका वारिस बन रहा हो लेकिन उसको विरासत नहीं मिलेगी जो जिस बंदे को कत्ल करेगा उसकी विरासत उसको नहीं जाएगी जो जिस रिलेटिव रिश्तेदार को कत्ल करेगा उस रिलेटिव की विरासत उसको नहीं मिलेगी कातिल को मकतूल की विरासत नहीं मिलती शरीयत ने दरवाज़ा बंद किया किस चीज़ का कि विरासत की वजह से कत्ल ना करे ठीक है एक दरवाज़ा ना खुल जाए ना कि लोग भाई बड़ी विरासत है मार दो ने बिल्कुल उस दरवाजे को चैप्टर को बंद कर दिया क्लोज कर दिया ठीक है बेटे ने बाप को कतल कर दिया बाप का वो वारिस नहीं बनेगा ठीक है खामन ने अगर बीवी को कतल कर दिया तो खामन अपनी बीवी का वारिस नहीं बनेगा बीवी ने खामन को कतल कर दिया तो बीवी अपने खामन की वारिस नहीं बनेगी कातिल अपने मकतूल का वारिस नहीं बनेगा जी तो कतल जब अदालत में साबित होगा तो फिर वो कतिल जो है वो वारिस नहीं बनेगा अपने मकतूल का ठीक तीसरी चीज है इख्तलाफ दीन बाप मुसलमान है बेटा ईसाई है तो बेटा अपने बाप का वारिस नहीं बनेगा काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता भले वो शुरू से काफिर है भले बाद में काफिर हो गया ये भी तो हो सकता है ना बेटा बाद में काफिर हो गया इथियस बन गया दहरिया बन गया खुदा का इनकार करना शुरू कर दिया तो अपने बाप का वारिस नहीं बनेगा अपनी माँ का वारिस नहीं बनेगा तीसरी चीज जना ज़िना अपने बाप का वारिस नहीं बनेगा ठीक है उसकी औलाद है औलाद तो उसी की है ना इनकार तो नहीं ना कर सकते नुतफा तो उसी का है स्पम तो उसी का है लेकिन वो अपने बाप का वारिस नहीं बनेगा जिना से पैदा होने वाला बच्चा ठीक है जैसे हम जिना कहते हैं अब हमारे यहां वो गाली है वो लफ्स लेकिन बहरल आप सबके जहनों में है उस बच्चे को विरासत जो है वो नहीं मिलेगी इसके बाद पांचवी के समय लियान लियान किसी कहते हैं शोहर ने अपनी बीवी को देख लिया वो गलत हरकत करती हुई अब उसके पास गवाह नहीं है तो कुरान क्या कहता है वो कस्मे उठाएगा ठीक है चार कस्मे उठाएगा और कहेगा कि अगर मैं झूठा हूं तो मेरे ऊपर लानत लेन का लफज लानत से मैंने इसको देखा है ये गलत हरकत करते हुए औरत भी जवाब में क्या करेगी कस्में उठाएगी कि ये झूठा है मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है तो फिर उसके बाद दोनों में क्या हो जाएगी सेपरेशन आखरत का मामला अल्लाह जाने लेकिन वो जो बच्चा होगा उसको विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा स्टे कनेक्टेड विद अलहिकमा इंटरनेशनल सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें जुड़े रहिए अलहिकमा के साथ देखिए कुरान अरबी ग्रामर खुलासे कुरान असूल हदीस और दीगर कोर्सेज सिर्फ अलहिकमा इंटरनेशनल पर सेपरेशन हो जाएगी तलाक नहीं तलाक ना कहें सेपरेशन का मतलब तलाक नहीं होता सेपरेशन का मतलब होता है जुदाई जुदाई कभी तलाक की सूरत में होती है जुदाई कभी खुला की सूरत में होती है जुदाई कभी फसके निकाह की सूरत में होती है। ठीक है जी? उसको फसके निकाह कहते हैं कैंसलेशन ऑफ निकाह। निकाह टूट जाएगा ठीक है मैं यही कह रहा हूं ना कि तलाक जो है ना वो मर्द कहता है कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं ठीक है इससे सेपरेशन हो जाती है एक होती है खुला औरत कोर्ट की तरफ रुजू करती है ठीक है कोर्ट मर्द को बुलवाती है मर्द आता ही नहीं वो यूरोप में बैठा हुआ है वो कहती है मैंने इसके साथ नहीं रहना अदालत एक तौर पर उसको डिग्री पकड़ा देती है कैंसलेशन ऑफ निकाह की फंस के निकाह की तो खुला है फस के निकाह तो सेपरेशन का मतलब तलाक नहीं होता सेपरेशन का मतलब कि ताल्लु खत्म हो गया हाँ कर सकती है तो पांचवी चीज़ क्या है लियान लियान की सूरत में जो है वो अब जो बाप है वो कह रहा है ये मेरी औलाद नहीं है मैंने अपनी बीबी को देखा वो किसी और के साथ थी मैं मशकूक हूं मैं अब इससे जो बच्चा पैदा होगा मैं उसको अपनी औलाद नहीं मानता जब वो उसको औलाद नहीं मान रहा तो अब वो औलाद उस बाप की वारिस नहीं होगी मां की होगी मां की वारिस बनेगी लेकिन बाप की नहीं बनेगी वो मान ही नहीं रहा मेरी है। नहीं नहीं बाप का नाम नहीं आएगा ना वो ओन ही नहीं कर रहा मां के नाम से उसकी आगे नसब चलेगा वो ओन ही नहीं कर रहा जब बाप सेपरेशन हो गई ना तो मवाने विरासत क्या है जो चीजें विरासत में रुकावट बन जाती हैं गुलामी पतल इख्लाफी दीन जिना और लिया चौथी चीज है हकूक तरका तरका के क्या हुकूक है एक आदमी ने कुछ तरका छोड़ा कुछ माल छोड़ के गया सबसे पहले क्या करेंगे उसके माल के साथ कफन दफन का इंतजाम उसके माल में से क्या करेंगे कफन दफन का इंतजाम करेंगे अगर माल कुछ बच गया तो फिर क्या करेंगे अदायगी कर्ज कर्ज अदा करेंगे अगर माल फिर भी बच गया तो फिर तीसरे नंबर पे क्या करेंगे वसीयत वसीयत को इंप्लीमेंट करेंगे अगर वो वसीयत करके गया है ठीक है वसीयत की क्या शरायें कितनी वसीयत कर सकता है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वन थर्ड अपने कुल एसेट में से वन थर्ड के बारे में वसीयत कर सकता है फलां ट्रस्ट को दे दें फला मदरसे वालों को दे दें या फला मेरे जो है वो दूर पार के रिश्तेदार को दे दें या फला मेरे दोस्त को दे दें या फलां को दे दें ठीक है सारा माल वसीयत में नहीं जाता वसीयत भी जायज हो वन थर्ड से ज्यादा ना हो ठीक है और तीसरी शर्त क्या है वो रसा के बारे में ना हो सबसे पहले कफन दफन का इंतजाम होगा उसके एसिड में से उसके छोड़े हुए माल में से तरका में से फिर कुछ बच जाए तो फिर उसके ऊपर कोई कर्ज है तो वो अदा किया जाएगा फिर अगर कुछ माल बच जाए तो फिर अगर वो कोई वसीयत करके गया मरने से पहले लिखवा के गया है कुछ कोई एविडेंस मौजूद है कोई गवाह या तो मौजूद है अगर ओरल है जुबानी वसीयत है तो दो गवाह हैं, विटनेस हैं वो वसीयत वारिसों के बारे में नहीं होनी चाहिए वारिस के बारे में वसीयत नहीं कर सकता क्योंकि वारिस का हिस्सा मुतन है वसीयत करके वो उसका हिस्सा बढ़ा नहीं सकता गैर वारिस के बारे में वसीयत करेगा ठीक है दूसरा ये कि हराम चीज की वसीयत नहीं करेगा शराब खाना बना देना वह वसीयत नहीं नाफा होगी ठीक है और तीसरी बात हमने क्या की है वन थर्ड से ज्यादा वसीयत नहीं करेगा इसके बाद क्या है जो माल बच जाएगा वो क्या बनेगा वो रसा में तकसीम होगी विरासत तकसीम होगी तकसीम में विरासत इसके बाद आएगा सबसे पहले कफन दफन का इंतजाम फिर अदायगी कर्ज फिर वसीयत की तनफीज इंप्लीमेंटेशन वसीयत का नफाज और फिर तकसीम विरासत तरतीब समझ में आ गई अब आप आ जाए आखिरी चीज क्या है इसमें वो है वो रसा अब हमने समझना है वो रसा कौन है और उनके कितने हिस्से हैं ये आखिरी चीज है तो वो रसा जो है वो तीन है कितने है? तीन ये अब टर्म है इस टर्म को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा लेकिन बहरहाल इतना मुश्किल भी नहीं है जवील फरूस या असहाबल फराइज भी इसको कहते हैं जवील फरूस फर्ज की जमा है फरूस फर्ज कहते हैं जिसका हिस्सा मुकर हो यानी जिसका हिस्सा कुरान में सुन्नत में बयान हो गया उसको क्या कहते हैं जवील फरूस हिस्सा क्या है यानी इसका वन थर्ड है नस्फ है वन सिक्स है ठीक है आठवां हिस्सा है तो जिसका हिस्सा मुतिन तौर पर बयान हो गया जिस जिस रिश्तेदार का उसको क्या कहते हैं जवेल फरूज ये कितने हैं ये बारह हैं ये कितने हैं बारह इसमें मर्द जो है ना चार हैं और औरतें आठ हैं ठीक है जी चार मर्द और आठ औरतें हैं मर्द कौन है बाप ठीक है बाप के बाद दादा दादा के बाद खावन खावन के बाद अखियाफी भाई अखियाफी भाई किसी कहते हैं बाप दादा खावन और अखियाफी भाई ये हम आगे इसको तफसील से लिखते हैं अभी आप इतना वो ना लें अभी तो चूंकि यहां अब आ नहीं ना सकते इसलिए मैं नहीं लिख रहा अगली स्लाइड में हम आगे जाते हैं इसको तफसील से देखते हैं ठीक है दूसरा जो है वो है असाबाद आसाबाद असाबाद आसा की आगे तीन किस्में सॉरी असबाद की दो किस्में आसबा नसबी यानी जो नसब की वजह से और आसाबा सबबी यानी जो सबब की वजह से आसाबा उस रिश्तेदार को कहते हैं जो मैयत का रिश्तेदार हो और मैयत के और उसके दरमियान में औरत का वास्ता ना हो ये बात समझ में आई है आसबा आसबा वो रिश्तेदार है एक तो वो मेल है पहली बात क्या है आसबा कौन होता है मेल रिश्तेदार होता है जवील फरूज में मेल भी हैं, फीमेल भी हैं ठीक है चार मेल हैं आठ फीमेल हैं ठीक है मेल में कौन है जैसे मैंने आपको बताया बाप है दादा है खामद है अहयाफी भाई है मेटरनल ब्रादर मां शरीक भाई तीसरी किस्म है जविल अरहाम। ये उमूमन पार के रिश्तेदार होते हैं ठीक जवील अरहाम रहमी रिश्तेदार रहम से अब हम इसको तफसील से देखते हैं ठीक है जी वो रसा जो हैं वो तीन किस्म पे हैं हम डिस्कस कर रहे थे एक जिन्हें जवील फ्रूस कहते हैं या अबराइ क्या हमने इनकी डेफिनेशन की जिनका मुतयन हिस्सा सुन्नत में बयान हो गया तो हमने कहा ये आगे दो किस्म के हैं मर्द और औरतें जो मर्द हैं वो चार हैं कौन कौन से बाप है फिर उसके बाद दादा है फिर फिर खामद है और फिर अहयाफी भाई ठीक है जी अहियाफी भाई समझ में आ रहा है ना मेटरनल ब्रदर ठीक है दूसरा जो है वो औरतें हैं जिनकी माँ एक हो बाप दो ठीक है हाँ एक खातून की शादी हुई किसी मर्द से उससे तलाक हो गई फिर उसके बाद उनकी दूसरे मर्द से शादी हुई ठीक औरतें कितनी हैं? आठ है आट। ये आठ कौन कौन सी हैं सबसे पहले बाप के मुकाबले में क्या आ जाएगी मां ठीक है दादा के मुकाबले में क्या आ जाएगा दादी और साथ नानी भी ठीक है खावन के मुकाबले में क्या आ जाएगा भाई औरतें हम जिक्र कर रहे हैं अभी तो अभी और भी तो हमने वो रसा पढ़ने हैं ना अभी और भी वो रसा पढ़ने ना वो इस किस्म में नहीं आ रहे जवील फ्रूज में नहीं आ रहे अभी तो आपने देखा बेटा भी नहीं आया बेटा भी नहीं आया ठीक बीवी के बाद जी अखियाफी भाई की जगह कौन आ जाएगा अहियाफी बहन अहियाफी बहन कौन सी है माँ शरीक बहन इसके बाद अल्लाती बहन आ गई अल्लाती बहन कौन सी है बाप एक हो ठीक है बाप एक हो पटर्नल ठीक है हाँ पेटर्नल सिस्टर एक है मेटर्नल सिस्टर और एक है पेटर्नल सिस्टर और एक है हकीकी बहन हकीकी बहन कौन सी है एक वो है ना जो यूनिवर्सिटी में बनाई होती है थी थी थी। आँ। आँ। तो नहीं वो नर्स को भी सिस्टर कह देते हैं यहाँ क्या मुराद है अकीकी बहन से माँ बाप दोनों के हैं सेम है ठीक है उसके बाद क्या है जी और कौन से रिश्तेदार रह गए बेटी कितने हो गए सात हो गए और आठवीं है पोती क्लियर हो गई बात बारह पूरे हो गए ठीक है चार वो और आठ ये इनको कहते हैं जवेल फ़ुरुस सबसे पहले हिस्सा इनको दिया जाएगा सबसे पहले किसको हिस्सा मिलेगा जवेल फ़ुरुस को इनसे बच जाए अगर कुछ तो फिर किसको मिलता है असबाद को किसको आसाबाद को असबाद आसा कितने हैं मैंने आपको बताया दो हैं नसबी है और सबबी है सबबी तो अब नहीं रह गया ये वही है जो हमने कहा था कि विला वाले ठीक है किसी सबब से जो आपका असबा बना है विला के सबब से यानी मालिक ने गुलाम को आजाद किया था ठीक है तो इसलिए अब मालिक जो है वो आसबा है किसका गुलाम का यानी गुलाम के अगर जवील फरूज नहीं है तो फिर उस गुलाम का माल किस को मिलेगा आका को मालिक को ये सबबी है जो नसबी है वो तीन है असबा बिन नफ्स जो बेजाती ही असबा है ठीक है असबा बिल गैर जो गैर के साथ असबा बना और असबा मल गैर बिल गैर और माल गैर में थोड़ा सा फर्क है असबा बिन नफ्स ये चार हैं बेटा उसके बाद वालिद उसके बाद भाई उसके बाद चचा समझ आ रही है बात अभी तक क्लियर है जवील फुरूज को सबसे पहले हिस्सा देंगे इनका हिस्सा कितना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हर एक का हिस्सा अलहदा अलहदा है बाप का कितना है दादी का कितना होता है खामन का कितना होता है माँ का कितना होता है बीवी का ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन ये अगर मौजूद हैं और आमतौर पर ये मौजूद होते हैं ये मतलब रिश्तेदार ऐसे हैं जो आमतौर पर क्या होते हैं मौजूद होते हैं ये मौजूद हो तो सबसे पहले इनको हिस्सा जाता है ठीक है उसके बाद अगर बच जाए अगर बच जाए तो फिर किनको जाता है आसाबा को आसाबा में सबसे पहले किसको जाता है आसाबा बिन नफ्स को आसाबा बिन नफ्स में फिर तरतीब क्या है सबसे पहले बेटे को तरतीब भी यही है फिर वालिद को फिर भाई को फिर यानी बेटा होगा तो वालिद को नहीं मिलेगा ठीक है वालिद होगा तो भाई को नहीं मिलेगा भाई होगा अच्छा ये आगे इसी तरह से है चल सो चल है बेटा है, अगर नहीं है तो फिर क्या देखेंगे पोता पोता भी नहीं है तो फिर पड़ पोता वो भी नहीं है फिर आगे आएगा वालिद को देखेंगे वालिद अगर नहीं है तो फिर किसको देखेंगे दादा दादा भी नहीं है तो पड़दादा वो भी नहीं है तो फिर इस लड़ी में आ जाए भाई भाई नहीं है तो फिर किसको देखेंगे भतीजा वारिस होगा समझ रहे चाचा, चाचा तो कजन वो भी वारिस बनता है लेकिन यहां आके अब कि, कि, किसका बेटा भी ना हो वालिद भी ना हो भाई भी ना हो ये सारे बारह रिश्तेदार भी ना हो कोई इंडिया से इजरा थोड़ी करके आ रहा है कोई ना कोई मिल ही जाता।, जाता है लेकिन बहरहाल अगर ना हो तो वो कजन वारिस बन जाता है ठीक ये है आसबा बिन न दूसरा क्या है असबा बिल गैर यानी ये तो वो है जो बिजाती ही आसबा है और एक आसबा वो है जो गैर के साथ के आसबा बना है। उसमें बेटी ये बिचार हैं पोती हकीकी बहन और अल्लाती बहन ये असबा वो हैं जो मेल्स हैं असलासभा यही होते हैं यानी जवील फ्रूज का बच्चा कुछा माल कौन लेते हैं ये लेते हैं अच्छा अब एक सवाल पैदा होता है बेटा बच्चा कुछा लेगा तो उस बेचारे को क्या मिलेगा हैं सवाल पैदा होता है ना तो वो बहुत स्ट्रांग है बेटा बहुत स्ट्रांग है सबसे ज्यादा माल वो लेके जाता है उसकी वजह क्या है उसकी वजह आपको यहां से समझ में आएगी कि ये क्या करते हैं ये जो है ना कुछ रिश्तेदार मेल ऐसे हैं कि जो फीमेल को यहां से उठाते हैं और कहते हैं हमारी लाइन में आके खड़ी हो जाओ ये असल में कौन है ये सारी कौन है ये चारों जवील फरूज हैं। लेकिन ये असभा बन जाती हैं। कब असभा है? जब इनका जोड़ा मौजूद होता है बेटी का जोड़ा कौन है बेटा बेटा अगर मैयत का बेटा होगा तो वो क्या करेगा वो बेटी को पकड़ेगा कहेगा जवील फरूज में नहीं जाना तुमने आप अब मैं आ गया हूं मेरी लाइन में आ जाओ यहां आके आप हिस्सा लेना है तुमने मेरे साथ खड़े होके तो वो उसको पहली लाइन से कहां ले आता है दूसरी लाइन में आसभा की लाइन में ले आता है पोती के साथ कौन होगा तो वो क्या करेगा पोती को क्या करेगा जवील फ्रूस से उठाएगा कहां ले आएगा आसभा में ले आएगा अब आओ दोनों बराबर बराबर एक लाइन में खड़े होके हिस्सा कर बांटते हैं तकसीम करते हैं तीसरा हकीकी बहन के साथ कौन होगा हकीकी बाई और इसी तरह आलाती बहन के साथ नहीं देखें बात यह है अगर मेल्स नहीं होंगे ये वाले मेल्स नहीं होंगे तो ये चारों यहां पे हिस्सा लेंगी जवील फरूज की हैसीयत से हिस्सा लेंगी जो उनका मुतिन हिस्सा है बेटी का हिस्सा कितना है अगर जवील फरूज में हो ना बेटी का हिस्सा मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूं एक बेटी हो तो उसके लिए हिस्सा क्या है नस्फ अपने बाप की जायदाद का कितना लेगी निस्फ लेगी अगर एक है ठीक है अब अगर बेटी के साथ बेटा आ जाता है तो अब बेटी को निस्फ मिलेगा जब वो अकेली होगी तो फिर वो निस्फ लेगी। अगर उसके साथ बेटा होगा तो बेटा क्या करेगा वो इसको यहां पे ले आएगा यहां पे ले आएगा तो अब क्या होगा मिसल लिजार मिस बेटे के दो हिस्से बेटी का तो यहां पे जो है वो फिर एक दो के रेशो से तकसीम होगी ठीक है मेल फीमेल की रेशो यही है ना लेकिन जब वो अकेली है तो फिर वो हाफ ले रही है तो हम ये कह रहे हैं बात समझ में आ रही है ना ये जवील फरूज हैं लेकिन कुछ जवील फरूज ऐसे हैं अगर उनके साथ उनका मेल मौजूद हो ठीक है जोड़ा मौजूद हो तो फिर वो जविल फ्रूज नहीं रह जाते बल्कि वो क्या बन जाते हैं आसबा बन जाते हैं अच्छा एक तीसरी किस्म है असबा गैर। एक कलम इसको दे दिया दो इसको दे दिए तीन इसको दे दिए बाकी सारा तुम ले लो वो भी बच गया वो सारा किसका है बेटेगा तो बचा कुचा जितना माल है वो सब इनके पास चला जाता है इनसे बच के तीसरे के पास कुछ नहीं जाता अगर ये मौजूद हो ना ये फिर आगे नहीं जाता अच्छा इनसे बच जाता है आ, इनको तो मुतान हिस्सा मिलना है ना जो इनका हिस्सा है उसमें से बच गया इनके पास आ गया जो बच गया वो सब इनका अगर ये नहीं है अगर ये नहीं है तो फिर इनके पास जाता है ये मौजूद ही ना हो और ये कम ही होता है असबा माल गैर कहते हैं ये दो हैं हकीकी बहन और अल्लाती बहन अगर इनके साथ बेटी या पोती हो तो ये असबा माल गैर हो जाती है बाजुकात फीमेल को असभा बनाने वाला मेल होता है तो उसको क्या कहते हैं असबा बिल गए बाजात फीमेल को एक दूसरी फीमेल रिश्तेदार क्या करती है असबा बना दे यानी ये जवील फ़रूज़ में तो हैं, ठीक है लेकिन बाजूकात एक जैसे ये अब हकीकी बहन है अब इसके साथ बेटी भी है तो ये दोनों असबा बन जाएंगे फ्रू से निकल के सेकेंड लाइन में चली जाएंगे समर है जगह कैसे खाली हो रही है बेटे की ठीक है जगह कैसे खाली हो रही है समर है ना बात वो सेकंड लाइन में जा रही है मखसूस सूरतों में केसेस में वो पहली लाइन में खड़ी होकर हिस्सा ले रही होती है जैसे रिश्तेदार ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं लगता है कि आप ये महरूम हो जाएगा तो वो वो दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाती हैं। सिर्फ हम मैयत की बात करें जितने ये रिश्तेदार हैं ये सब मैयत के हैं आपस में एक दूसरे के नहीं है मैयत जो है वो फोकल पर्सन है ठीक है बेटी से मुराद मैयत की बेटी बेटे से मुराद मैयत का बेटा बहन से मुराद मैयत की बहन पोती से मुराद मैयत की पोती ये सिर्फ हिंदू मजहब के अंदर है कि बड़ा बेटा वारिस बनता है हमारे मजहब में ऐसा कुछ नहीं है सब बेटों का बराबर हिस्सा है इसी तरह आग कर देना यह कॉन्सेप्ट हमारे मजहब में नहीं है ठीक है अपनी औलाद को आप महरूम नहीं कर सकते जायदाद से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पूरा माल किसी एनजीओ को दे देना यह भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वन थर्ड से ज्यादा वसीयत नहीं कर सकते ठीक जवील अरहम कौन से हैं जैसे नाना है अब बात आई थी ना नाने की ठीक है भांजी भांजा फूफी खाला मामू भतीजी पार के रिश्तेदार जो जवील फरूज में भी नहीं आते आसाबात में भी नहीं आते ठीक है क्लियर है जी रिश्तेदारों की समझ आ गई अब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनके हिस्से जिंदगी शऊर से अलहिकमा इंटरनेशनल